गलत हुआ है, हमें मॉर्चर से डेड बॉडी लेने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे। उसका क्या गलती था? उसका कुछ भी गलती नहीं था। भोलिको दिनमा आज हामी उठेन भने भोलिको दिनमा हामीलाई मेडिकल नेग्लिजेन्सको जिम्मेवार भन्छ, सबलाई केस हुनुपर्छ। गलत भयो, यो गलत भयो, गलत भयो। हामी यहाँ कंसर्न डॉक्टर डिपार्टमेंट से बुलाइए, उन्होंने क्यों शिफ्ट किया? जब आईसीयू में सीवियर कंडीशन में थे, वो ट्रोमा सेंटर भेजना चाहिए था, उनको भेजा जनरल में, फिर उसको सीरियस कंडीशन होके वापस ले आके तब से लेके आज के दिन में उनको डेथ डिक्लेयर करते हैं। क्यों किया है? वी वॉन्ट जस्टिस फॉर दिस। Call your authority. We are not leaving this place. Okay, हम लोग को शकल देख के आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो। No, we are not going to be silent. मचुरी के अंदर तो नहीं, हम लोग ने कुछ नहीं रोका। वहाँ चौकी में जाइए, हमारे भाई मर गया, हमारे जान का मर गया, तो पूरे बहुत सब सारे लोग हमारे जान का मर गया, तो हम लोग नहीं डरते, हम लोग जान दे सकते अपने देश के लिए, लेकिन हमारे भाई को इतना जस्टिस नहीं मिला। सामने करवा देते साइन, हम लोग भी पढ़ते साइन में करवा देते। भाई घर पहुंचना चाहिए आज, टिकट पोस्टमार्टम होके, हमें नहीं चाहिए। आप लोग प्रेशर कर रहे हो हमारे विक्टिम के फैमिली को, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे तो मॉर्चरी में पोस्टमार्टम नहीं होगा करके प्रेशर कर रहे हो हमारे विक्टिम के फैमिली को। रुला रहे हो, हुनर गा के रो रहे हैं यहाँ पे, हम लोग तो प्रोटेस्ट करेंगे। पुलिस ने कराया उसको शिफ्ट जनरल वार्ड में। डॉक्टर डॉक्टर को लाइए सर, डॉक्टर को लाइए, डॉक्टर 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 लाइए, डॉक्टर लाइए, डॉक्टर लाइए, एंसर दे डॉक्टर, एंसर दे हमारे लड़कियों को देखिए कितना में भी फोगे बोलता है। ये न्याय है आपके सामने, डॉक्टर साहब को लिया, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, पोस्टमार्टम होना चाहिए, क्रिमिनल केस है, पोस्टमार्टम नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा? अगर पोस्टमार्टम भएन भने यो भएको थियो यसले कुटेको यसले मारेको थियो। एक्टिभिस्टहरू बाध्य हुनु हुँदैन, कानुन नबनेकोले आउनु हुँदैन। यस एक्टिभिस्टहरू कानुन नजान्नेहरू बाध्य हुनु हुँदैन। सत्य वचन, सत्य वचन हो मैले भनेको, एक एक कुरा सत्य।
एक्टिभिस्टहरू बेसी बाटो हुनुहुन्थेन, जसको पनि भिक्टिम हुन्छ सबै सेयर गरेर हामीले मिलिजुली सल्भ गर्नुपर्छ। यो कसैको इन्डिभिजुअलको केस होइन, भोलि हामी सबैमा एकजना हुन्छौँ यहाँ मरेको दिल्लीमा, हामी मान्दैनौँ। सारा जनता यहाँ बैठा हुआ है सर, सारा जनता यहाँ सामने चाहिए हमें जवाब। वो तो कल लिख के दे देंगे, कल तो मिलजुल जाएगा फिर। वो समोसा देगा, कोल्ड ड्रिंक देगा, वही गायब। भाई जिसको शिकायत जो है वो लिखना तो पड़ेगा ना, मुझे वाने तो किसी की बात नहीं जाएगी। कितना बार लिखेंगे यार, काम रहे कर रहे। आप लोग बोलते हो नॉर्थ ईस्टर्न को हम फेवर करते, आप लोग बोलते कानूनी कार्रवाई अच्छे से होते, जेल में है ये। हम आज मरा क्यों, हमारा भाई आज मरा क्यों? अब ये तीन दिन पहले भी मर से बने हुए होना चाहिए। हमें क्या बता, क्योंकि आप बताए कि तीन दिन पहले उसको कितना दिन से शिफ्ट किया, आईसीयू का 98% बचने का चांसेस, जनरल में शिफ्ट किया, कौन जवाब देगा इसका? आप लोग अच्छे से काम करें हमारे लिए, पर हम मर क्यों रहे? हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है? हम पुलिस से फेवर करने नहीं आए हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, राइट। हम भारतीय होने के कारण हमारा अधिकार है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट से जीने का अधिकार। दिखा के उससे एक एप्लीकेशन लिखवाओ कि भाई ये कंडीशन थी हमारे उसकी, एक मिनट मेरी बात सुनो। उसके बाद वो अब दंगे, हम उसको एमएस के पास लेके चलेंगे, डॉक्टर साहब से एमएस साहब कहेंगे उसमें इंक्वायरी करें, कुछ भी करें, और उसका जो बात यार, उसके बाद उसका बोर्ड बनाओ। बोर्ड हमें पता बोर्ड क्या होता है, हमें मेडिकल डिपार्टमेंट क्या होता है, पुलिस डिपार्टमेंट, हम तो गरीब लोग हैं यहाँ पे काम करने आए हैं। सब काम करने आए सर, आप करो, मैं होटल में काम करता हूँ। मरने के बाद ये करने हमें लिखना भी नहीं आता, आप करो ये करो वो करो। आप बोलो पुलिस हैंडल कर रहे हैं आप, मुझे आओ चौकी में, चौकी में हम लोग और फिर यहाँ से डॉक्टर से भी हमें डिक्लेरेशन चाहिए, क्लेरिफिकेशन चाहिए। और बाकी सर एक एक्यूज अभी अभी भाग रहा है, क्या कंडीशन है? मेरा नाम है, मैं एक्टिविस्ट हूँ नॉर्थ ईस्ट से। क्या हुआ था आज आपको?
अभी कुछ दिन पहले कोटला में हमारा दो तीन लड़के लोग आ रहे थे रात को, ये लोग होटल में काम करने वाले हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह में काम करने वाले हैं, तो रात में घूमते तो घर आ रहे थे, तो वहाँ पे कुछ तीन चार लोग थे, लड़के थे, उन्होंने उनको देख के मतलब अब हमारे को देख के रेसियल डिस्क्रिमिनेशन हमेशा ही होता है, आपको बताइए कि जो हमें देखते चाउचिंग की चाउमीन उनको देखते उन्होंने अब्यूजिव वर्ड्स यूज किया है, उनका घर में भी लिखा हुआ है, गंदी गंदी गालियां दी, फिर वो लोग रिटेलिएट करेंगे, एक लड़की भी थी उनके साथ में कि उन लड़की के साथ भी बदतमीजी किया है, उस लड़की का हाथापाई करके उसको जमीन पे गिरा दिया, उसके बाद भी उन लोगों ने क्या किया एक पट्टा उठा के अटेम्प्ट टू मर्डर मतलब मारने के हिसाब से ही उसने वो प्रणय प्रधान जो आज डेथ हुए है हॉस्पिटल में उनको गर्दन में देके उनको मारा है, और उसके बाद में बाकी दो तीन लड़के हैं विक्टिम है वो भी कसल हो गया है। हॉस्पिटल में आप लोगों को किस तरह की दिक्कत है? हॉस्पिटल में देखिए इसके बाद में क्या हुआ कि इनको यहाँ पे लाया गया, इनको ट्रॉमा सेंटर ले जाना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि सीवियर इंजरी थी, नॉर्थ ईस्ट का या हमारा कोई भी सिंपल केस नहीं है, नॉर्थ ईस्ट का स्पेशल केस होता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड केस होता है, ये हम सबको पता है। हमारे सफदरजंग में ये दिक्कत थी कि हमें यहाँ पे लाया गया हमारे भाई को, उसके बाद में बहुत सतर्क के बाद में उसको आईसीयू में एडमिशन किया, आईसीयू में रखने के बाद भी इतना मैं खुद भी देखने आई थी, बहुत बोलने का तारी वो नहीं कुछ भी नहीं, उसको कैसे जनरल वार्ड में शिफ्ट किया उन्होंने, कुछ दिन में जनरल वार्ड में शिफ्ट किया, फिर ऐसा हवा चली कि जनरल आईसीयू में, क्योंकि गरीब है सारे बाहर से नौकरी करने आए, कुछ कुछ काम करते कुछ कुछ काम करते, उसको दिमाग नहीं है, नॉलेज नहीं तो दिमाग होते नॉलेज नहीं होते काफी चीज, फिर उनको क्या हुआ कि उनको जनरल वार्ड में विदाउट गिविंग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन टू देयर फैमिली और विदाउट गिविंग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन टू द रिस्पॉन्सिबल पर्सन को उनको जनरल में शिफ्ट कर दिया, जनरल में शिफ्ट करने के बाद में उनको ये हुआ कि उसको फिर अटैक पड़ गया, फिर उसको आईसीयू में शिफ्ट किया, अब ये है कि आज उनको डेथ डिक्लेयर किया, तो जब उनको आईसीयू में शिफ्ट किया तब से लेकर आज तक उनका हलचल कुछ भी नहीं थे, तो हम ये बोलते हैं कि डेथ तो कल भी हो सकता है, लापरवाही हम मानते हैं डॉक्टर का है, सफदरजंग हॉस्पिटल का है, और जो कंफर्म थाना एसएचओ है उनको हम उनके बंदे थे यहाँ पे, उनके बंदे रहते हुए उनको जनरल वार्ड में कैसे शिफ्ट किया जाए, बिल्कुल हम लोग इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हम चाहेंगे, मेडिकल नेग्लिजेंस से 100% ये क्रिमिनल केस है, आप FIR पढ़िए, 307 और 34 खाली लगाया है, इस पे 153A बनता है जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एब्यूजिव वर्ड यूज किया है, और लड़की का भी स्पेशल केस बनती है, ये केस ये धाराएं चाहिए, और हमें डॉक्टर के खिलाफ भी सफदरजंग हॉस्पिटल के खिलाफ भी हमें केस चाहिए, हम डिमांड करते हैं, हमें हमेशा डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि हम लोग भारतीय नहीं है, हम लोग नेपाल से है, चाइनीज है, चिंकी है, हमारे लिए जस्टिस नहीं है, न्याय नहीं है, पुलिस प्रशासन हमेशा कहते हैं हम आगे आपके आगे खड़ा है, तो आज क्यों डेथ हुई है, आज क्यों डेथ हुई है, हमें न्याय चाहिए, अब ये पॉइंट हम मॉर्चरी के आगे इसलिए खड़े हैं, ये लोग फैमिली को प्रेशर कर रहे हैं कि उनका डिटेल हमें, ये क्रिमिनल केस है इसके डिटेल पोस्टमार्टम चाहिए, FSL रिपोर्ट भी चाहिए, और ये लोग फैमिली को प्रेशर कर रहे हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे तो पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, दूसरी बात ये भी है हमारे ये पोस्टमार्टम होना जरूरी है डिटेल में, क्योंकि कैसे पता लगेगा, हम इसके जस्टिस के लिए फाइट कैसे करेंगे, आज ये है तो कल हम में से एक भी रास्ते में हो सकते हैं, हम सब गोरखा भाई लोग यहाँ पे आए हुए हमें न्याय चाहिए, जय गोरखा।